ऑफिसर चाहिए जो मुझसे भी ज्यादा बेसब्र हो। दिस वॉज ब्लडी पर्सनल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज 360 मूवीज एक्सप्लेन। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी साइलेंस कैन यू हियर इट को, जो 2021 में रिलीज हुई है। ये एक मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। इस मूवी की कहानी फॉलो करती है एक पूजा नाम की लड़की को जिसका मर्डर हो गया है। अब उस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए मनोज बाजपेयी यानी कि ACP अविनाश वर्मा को बुलाया गया है। तो क्या अविनाश वर्मा और उसकी टीम इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करके पता लगा पाएगी कि पूजा का मर्डर किसने किया है और उसके पीछे क्या रीजंस हैं? इन्हीं सारी डिटेल्स को जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अब बिना टाइम को वेस्ट किए चलें शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करने की। मूवी की शुरुआत होती है जॉन डॉनी के एक कोट के साथ, जिसमें लिखा होता है, Each man's death dimensions me because I am involved in mankind and therefore never sent not to know for whom the bells tolls. It tolls for thee. फिर हमें चार दोस्त दिखाए जाते हैं जो माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं। टॉप पर पहुंचकर वो लोग खुशियां मना ही रहे होते हैं कि उन्हें फोन बजने की आवाज आती है। ये रिंगटोन उन चारों में से किसी की भी नहीं होती। रिंगटोन को फॉलो करते हुए जाने लगते हैं तो उन्हें एक लड़की की डेड बॉडी दिखती है और मोबाइल के बजने की आवाज लड़की के फोन से ही आ रही थी। तो वो लड़के उसकी कॉल रिसीव करते हैं और सब सिचुएशन बता देते हैं। कुछ ही देर में वहां पुलिस जाती है और उन चारों को इंटेरोगेट करती है और क्राइम सीन से एविडेंस इकट्ठा करती है। फिर हमें लड़की का घर और घर वाले दिखाए जाते हैं जहां उसकी मौत का गम मनाया जा रहा होता है। और वहीं से हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम पूजा होता है। फिर वहीं पर पूजा की दोस्त का शौहर आता है और वो बताता है कि कविता कोमा में है और उसकी हालत ठीक नहीं। फिर पूजा का बाप उससे पूछता है कि पूजा तुम्हारे घर आई थी तो एग्जैक्टली हुआ क्या था। और फिर वो हमें बताता है कि फ्राइडे नाइट पूजा अपनी दोस्त के घर जाती है और वहां उसकी दोस्त का हस्बैंड उसे ये बताता है कि कविता यानी पूजा की दोस्त किसी एग्जीबिशन के लिए पुणे गई हुई है। पूजा ये कहती है कि वो अगली सुबह पुणे जाएगी कविता को सरप्राइज देने। फिर सैटरडे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है कि रवि देखता है कि गेट का लॉक लूज है तो वो घर के नौकर से उसे ठीक करवाने का कहता है और चला जाता है। फिर रवि पूजा के घर वालों को बताता है कि वो रास्ते से वापस पेन ड्राइव लेने आता है तो देखता है कि कविता सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और पूजा घर में मौजूद नहीं होती। नेक्स्ट सीन में पूजा का बाप कमिश्नर से मिलने आता है और वो उसे कहता है कि वो अपनी बेटी के केस पर ACP अविनाश को लगाए क्योंकि वो बहुत क्विक है केसेस सॉल्व करने में, क्योंकि वो कानून के दायरे में रहकर कोई काम नहीं करता और वो दूसरों को जस्टिस दिलाने में बहुत बेसब्रा है। फिर ACP की मुलाकात पूजा के फादर से होती है और वो उसे किसी भी तरह से कन्विंस कर लेता है इस केस को हैंडल करने के लिए। फिर आता है इन्वेस्टिगेशन डे वन ट्यूजडे, जिसमें ACP अविनाश अपनी टीम से इंट्रोड्यूस होता है। इसकी टीम में जावेद शेख, राजगुप्ता, अमित चौहान और संजना भाटिया होते हैं। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये पता चलता है कि पूजा की कॉज ऑफ डेथ हैवी ब्लो एट द पैरिटियल बोन है, मतलब कि कोई भारी चीज सर पर मारी गई है। और टाइम ऑफ डेथ सैटरडे मॉर्निंग 10 से 12 के बीच और लाश मिली संडे सुबह 8 बजे खारगर में, जो कि ट्रैकिंग साइट है। वैल्यूएशन के दौरान बहुत सी चीजें पता चलती हैं, जैसे कि रेप नहीं हुआ था और मर्डर स्पॉट पर मर्डर नहीं हुआ, बल्कि उसे मारा कहीं और गया था और फिर लाश यहां लाकर फेंकी गई थी। इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए रवि की सब डिटेल्स निकलवाई जाती हैं, क्योंकि रवि और उसका नौकर दादू ही वो आखिरी लोग थे जिन्होंने पूजा को जिंदा देखा था। पुलिस अब अपने काम पर लग जाती है। रवि के पड़ोस में पूछताछ होती है और कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए जाते हैं। ACP अविनाश पूजा के घर जाता है जहां से उसे पता चलता है कि पूजा सैटरडे से मिसिंग थी और कविता ICU में एडमिट थी। और पूजा के घर वालों को उसकी मौत की खबर वही चार लड़के देते हैं जिनको हमने स्टार्टिंग में देखा था। फिर पुलिस को पता चलता है कि पूजा घर से कुछ यूजुअल ज्वेलरी पहनकर निकली होती है जो उसकी डेड बॉडी पर हमें कहीं नहीं दिखती। फिर ACP अविनाश उनसे पूछता है कि घर में आप दोनों के अलावा कौन रहता है, जिस पर पूजा के फादर उसे बताते हैं कि उनके फ्रेंड का बेटा ऋषभ, जो कनाडा से आया है, पिछले 5 महीनों से अपनी फियांसी किया के साथ रह रहा होता है। ACP अविनाश अब दादू को इंटरोगेट करता है तो दादू बताता है कि पूजा उसे एक बैग की जिप ठीक कराने का बोलती है और बताती है कि उसके बैग में कुछ ऐसा है जो उसे पुणे जाकर कविता को देना है। दादू बैग सही करवाने चला जाता है और वो देखता है कि कविता सीढ़ियों से गिर रही होती है और आधी सीढ़ियों पर ही होती है कि रवि अपने रूम से बाहर आता है। दोनों कविता को लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं और रात में जब घर आते हैं तो याद आता है कि पूजा कहाँ है, क्योंकि अगर वो घर में होती तो इतने शोर शराबे की आवाज सुनकर बाहर जरूर आती और वो पुणे भी नहीं जा सकती थी क्योंकि उसका बैग दादू के पास था।
फिर एसीपी अविनाश अपनी टीम से डिस्कशन करता है और काफी चीजें पता चलती हैं, जैसे कि पूजा की कॉल डिटेल्स और रवि की कॉल डिटेल्स, और फिर सारी डिटेल्स बोर्ड पर लिखवाई जाती हैं कि रवि घर से 9:50 पर निकला और दादू पूजा के बैग के साथ 10 बजे निकलता है। पूजा घर से निकली होगी अराउंड 10 से 10:15 के बीच, फिर रवि घर पर आया होगा 10:25 पर, और कविता घर पर आई होगी अराउंड 10:35, और फिर वो सीढ़ियों से गिरी और फिर दादू घर पर आया, उसने एम्बुलेंस को बुलाया 10:50 पर। और एक और बात कि पूजा जिन कपड़ों में आई थी उन्हीं कपड़ों में उसकी लाश मिली, मतलब कि उसने घर से जाने से पहले कपड़े चेंज नहीं किए, मतलब कि वो इमरजेंसी में घर से निकली होगी तभी बिना फ्रेश हुए चली गई, और इस बीच उसे कोई कॉल नहीं आई जिसका मतलब उसे घर पर बुलाने आया होगा कोई। फिर आता है इन्वेस्टिगेशन डे 2 वेडनेसडे। एसीपी हॉस्पिटल जाता है रवि से मिलने, जहां रवि उसे वही डिटेल्स बताता है जो दादू ने दी होती हैं, और एसीपी फिर वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि पूजा का बाप ऋषभ को पुलिस स्टेशन भेजता है पूजा की फ्रेंड लिस्ट और ज्वेलरी डिटेल्स के साथ, और फिर ऑफिसर संजना एसीपी के घर आती है रिपोर्ट देने के लिए और बताती है कि पूजा के रूम में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे हमें कोई लीड मिले। अब आ जाता है इन्वेस्टिगेशन डे 3 थर्सडे। पुलिस स्टेशन में इस बात का पता चलता है कि बिल्डिंग के गार्ड के रजिस्टर के हिसाब से सैटरडे मॉर्निंग रवि के घर कोई नहीं आया था, तो इसका मतलब कि शायद पूजा खुद अपनी मर्जी से बाहर गई होगी, और तभी एसीपी के दिमाग में दादू की वो लाइन आती है जब उसने कहा था अनलेस शी वॉज डेड, और एसीपी के दिमाग में ये बात क्लिक कर जाती है कि पूजा बिल्डिंग से बाहर गई नहीं, क्योंकि उससे पहले घर में ही उसका मर्डर हो चुका था जो यकीनन रवि ने किया होगा। और फिर एसीपी रवि की कॉल रिकॉर्ड्स चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसने सैटरडे को 6 कॉल्स सनेश्वर सिंह नामी बंदे को की होती हैं, और एक कॉल एक लाउंज बार में की होती है, जिससे एसीपी को शक होता है कि इतनी सुबह बार में कॉल करने का क्या मतलब। और फिर एसीपी पित और राज को उस बार में डिटेल्स लाने भेजते हैं। फिर एसीपी और संजना दादू से बात करने जाते हैं, जहां उन्हें ये पता चलता है कि दादू के अलावा भी घर में एक काम वाली है जिसको रवि ने कविता के कोमा में जाने के बाद से छुट्टी दी हुई होती है। एसीपी दादू से उस काम वाली का एड्रेस ले लेता है और वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल से ये पता चलता है कि कविता ने अब रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया है, और डॉक्टर इस बात को नोट करता है कि इस चीज से रवि को कोई खुशी नहीं हुई। अमित और राज बार में सनेश्वर की डिटेल्स देने जाते हैं, और वहीं सनेश्वर को बार में एक लड़का इन्फॉर्म कर देता है और वो मुल्क से बाहर भागने में लग जाता है। फिर भारती से पूछताछ पर यह पता चलता है कि सैटरडे दोपहर 3 बजे जब वो लिफ्ट से ऊपर आ रही थी तो उसने रवि के घर से एक आदमी को बड़ी से बोरी ले जाते हुए देखा, और भारती ने फौरन रवि को कॉल करके बताया तो रवि ने उसे बताया कि वो टेंशन ना ले, उसी ने उसको भेजा है। इतने में ही राज और अमित आकर एसीपी को बताते हैं कि सनेश्वर बैंकॉक के लिए निकल रहा है 2 बजे, लेकिन वो 6 बजे किसी श्रीकांत नामी बंदे से मिलने जाएगा। हम देखते हैं कि पुलिस के अलावा भी सनी यानी सनेश्वर को कोई और गैंग ढूंढ रहा है, इसीलिए उन्होंने पहले ही श्रीकांत को पकड़ लिया था कि उसकी मदद से वो सनी को पकड़ सके। पुलिस सनेश्वर को पकड़ने का प्लान बनाती है, और उस जगह पर सनेश्वर के आते ही हंगामा आराई शुरू हो जाती है उस गैंग और पुलिस के बीच, और श्रीकांत और सनेश्वर को गोली लग जाती है और सनी मर जाता है, और एक गोली एसीपी को बाजू पर लग जाती है। अब आता है इन्वेस्टिगेशन डे 4 फ्राइडे। अविनाश और इसकी टीम रवि खन्ना को वापस इंटेरोगेट करते हैं, और पता चलता है कि जो आदमी रवि के घर से बोरी लेकर जा रहा होता है वो सनी होता है, और रवि ये कहता है कि उसमें बुक्स थी, जिस पर पुलिस हैरत से पूछती है कि आपकी बीवी आईसीयू में है और आप घर से बुक्स भिजवा रहे थे। और इसी बीच एसीपी अविनाश और रवि के बीच मुंह मारी हो जाती है, और रवि वहां से गुस्से में चला जाता है। फिर आता है इन्वेस्टिगेशन डे 5 सैटरडे। सुबह नाश्ते करते वक्त एसीपी के दिमाग में एक चीज क्लिक करती है कि दादू ने कहा था कि जब वो बैग की जिप सही करवा कर घर आया तो उसने कविता दीदी का घबराया हुआ चेहरा देखा था, और फिर वो सीढ़ियों से गिर गई, और रवि ने ये कहा था कि इवन फ्रॉम द बैग आई कुड से शी वाज माय वाइफ, जिससे तो साफ यही जाहिर होता है कि कविता इसलिए घबरा कर भागी कि उसने पूजा की लाश को रूम में देख लिया था और फिर सीढ़ी से गिर गई। तो अब वो ये समझ जाते हैं कि कविता एक और विटनेस है उनके पास। फिर आता है इन्वेस्टिगेशन डे 6 संडे। अब एसीपी अविनाश जस्टिस चौधरी मतलब पूजा के फादर से परमिशन लेते हैं कविता से गवाही लेने की। कविता थी तो कोमा में, लेकिन वो सुनकर रिस्पॉन्ड कर सकती थी। एसीपी अब कविता से पूछताछ करता है, और इन सब से ये पता चल जाता है कि रवि ने पूजा का खून नहीं किया होता, और जब कविता घर पहुंचती है तो पूजा का खून ऑलरेडी हो चुका होता है। लेकिन अभी भी एसीपी अविनाश को यह शक होता है कि रवि कहीं ना कहीं इस सब सिचुएशन में इन्वॉल्व है। एसीपी और टीम
अब कुछ पेपर्स चेक करने लगते हैं और फिर ये पूरी टीम पूजा के घर जाती है और अब यहाँ होता है खुलासा। रवि से पूछताछ हो रही होती है कि पुलिस अचानक ऋषभ की तरफ पूछताछ ले जाती है और पुलिस उसे बताती है कि उन लोगों ने ऋषभ और पूजा की सब पिक्चर्स पूजा की फ्लैश ड्राइव में देख ली हैं, जिसे साफ पता चलता है कि पूजा और ऋषभ का अफेयर चल रहा था जबकि ऋषभ की मंगनी हो चुकी थी किया के साथ। और बिल्डिंग का वॉचमैन भी इसी बात की गवाही देता है कि उसने ऋषभ को उस सुबह बिल्डिंग में देखा था, लेकिन ऋषभ ने एंट्री किसी और नाम से की होती है इसलिए पुलिस को अब तक पता नहीं चला था कि उस सुबह पूजा से मिलने कोई गया था या नहीं, क्योंकि उस दिन बिल्डिंग के एक वॉचमैन ने छुट्टी की थी तो एक ही वॉचमैन को सब देखना था, इसलिए एंट्री बुक में सिर्फ ऋषभ के वापसी जाने की एंट्री हुई थी और उसका टाइम सुबह का था, मतलब दादू के घर से निकलने के बाद और रवि के घर में आने से पहले। लेकिन ऋषभ बस ये कहता है कि उसने पूजा को मारा नहीं है, वो उससे बात करने गया था और जब वो वहां पहुंचा तो पूजा मर चुकी थी। वहीं रवि भी इस बात को कन्फेस कर लेता है कि जब वो घर पहुंचा तो पूजा मर चुकी थी और वो घबराया हुआ था, इसीलिए उसने पूजा की लाश सनी के हाथ उठवाकर कहीं और फेंकवा दी थी। पुलिस दोनों को अरेस्ट कर लेती है। पुलिस फोर्स खुश हो जाती है कि ये केस बंद हो गया है, जिस पर एसीपी अविनाश ये कहता है कि केस का बंद हो जाना और केस का सॉल्व हो जाने में फर्क है, क्योंकि ऋषभ अब भी यही कह रहा था कि उसने खून नहीं किया तो आखिर खूनी है कौन। अब किया ऋषभ की फियांसे एसीपी अविनाश के पास आती है ऋषभ से मिलने, तभी एसीपी उसके हाथ में वो ब्रेसलेट देख लेता है जिसका एक टुकड़ा उसने रवि और कविता के बेडरूम की साइड टेबल पर देखा था और वो समझ जाता है कि आखिर असली खिलाड़ी है कौन। और तब हमें पूरी स्टोरी दिखाई जाती है कि जब दादू घर से जाता है तो सबसे पहले वहां किया आती है पूजा से ऋषभ के बारे में बात करने और उन दोनों की बहस शुरू हो जाती है, और वहीं एक्सीडेंटली किया के हाथ में एक वाज आ जाता है जिसे वो पूजा के सर पर दे मारती है और पूजा ऑन द स्पॉट मर जाती है। किया भी अब अरेस्ट हो चुकी थी और फाइनली ये केस पूरी तरह से सॉल्व हो गया था और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी साइलेंस मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी बहुत ही शानदार बनाई और डायरेक्ट की गई है, इसमें इतनी डिटेल्स हैं कि आप किसी भी मिनट को स्किप नहीं कर सकते, हर एक मिनट बहुत इम्पॉर्टेंट है इस मूवी का, और इस मूवी की डिटेल्स को याद रखने के लिए दिमाग भी चाहिए ताकि एंड में जब सब चीज़ों का खुलासा हो तो आपको पहले का सब कुछ याद हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना, और ऐसे ही एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना, और अगर आपको किसी मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल की दूसरी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन बाय, टेक केयर।